इज्जत हो तो उसको बनाए रखने की चुनौती भी तो है, इसलिए हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स में अपना नाम बहुत जरूरी साहब जी। हाँ। लॉ सिंह जी है। भाई उनको बाहर बिठा कर रखना, हम बुलाएंगे थोड़ी देर में। हाँ नमस्कार। काम का माफ कर दीजिएगा मिनिस्टर साहब, आपके चौखट पे आके आपके दर्शनों के लाभ के लिए इंतजार करना पड़े तो ही हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम इसलिए सीधे अंदर चले आए। भाई लोग आगे की प्लानिंग हम बाद में करेंगे, अभी आप लोग चले। आइए लोहा सिंह जी। आज लोहा सिंह नहीं मंत्री जी, बल्कि अपनी बुच्चिया की इज्जत की दुहाई लिए एक वो बाप खड़ा है आपके सामने। रिश्ता टूटने के दुख में हमारी बुच्चिया ने आत्महत्या करने की कोशिश की, ये खबर तो आपके कान तक पहुंच गई होगी। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं आप? और अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो करा दिल टूट जाएगा, और ओकरे साथ साथ मुकुल बाबू का भी तो, और ये हम दोनों परिवारों के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। कहा है कि लोहा सिंह जी, ये बात आपको पहले ही सोचना चाहिए था, है ना? और गंदगी तो हर जगह होती है, बस उसको छुपा के रखना पड़ता है। यही तो हम कह रहे हैं मिनिस्टर साहब कि गंदगी सिर्फ हमारी तरफ से नहीं है, आपकी तरफ से भी है। का? आपका खानदान सोना से मड़वा के होता तो भी अवगुण होता, तो कहा है कि हम ही लोग आप लोगों की छवि बचाए। कहना क्या चाहते हैं लोहा सिंह? हम कुछ नहीं कहेंगे मिनिस्टर साहब, जो कुछ भी कहेगी एक घड़िया कहेगी, बाकी तो सब जानते हैं कि मुंह पे रंग लगा के कौन आदमी जमुनिया के साथ का किया। तो समझ गए ना मंत्री जी, पानी पीने के लिए कुआ में कूदने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी हम अपना फर्ज समझा कि हमरे समदिया के दामन पे कौन आँच ना आए, इसीलिए हम कुआ में कूद गया। और अगर ये रिश्ता नहीं होना तो हम भी अपने आप को झाड़ पहुंच के कुआं से बाहर आ जाएंगे, और फिर जब दुनिया उस कुआं में झांकेगी सभी को साफ साफ दिखाई देगा कि मिनिस्टर साहब खानदान कैसा। आज तक मिनिस्टर ठाकुर राघविंदर सिंह से कनु कड़वी बात ना ही बोला है, और आप हमको धमकी दे रहे हैं। हम तो अपनी बुच्चिया को समझा लेंगे,
लेकिन कमबख्त ये लोहा सिंह को कौन समझाएगा। हर हर महादेव। आपकी कृपा हम कभी नहीं भूलेंगे भगवान जी। आपकी दया से दीदिया जी ठीक हो गए, बहुत ही बड़ा पाप से हमको बचा लिया। जमुनी बाहर क्या खड़ी है, भीतर आओ ना। ले प्रसादी ले। कितना अच्छा लग रहा है ना, दीदिया जी एकदम ही ठीक हो गई। माथा से जिसे को बोझ हट गया। खड़ी का है बैठ ना। क्या हुआ अब बैठ, सब ठीक है ना जमुनी? मुकुल जो हमारे साथ में बुरा बर्ताव करने की कोशिश किया, उससे ज्यादा बुरा तो हमारी माँ ही हमारे साथ कर रही है। हमको माफ कर दो, वो दिन वहां तो हमारी इज्जत खातिर सबसे लड़ी और हमें तुम्हारा साथ ना ही दिए। अपनी माई के आगे हम कुछ नहीं बोल पाए। पगली रो खा रही है तू? देख हम लोग जो चाहते थे वो है ना हुआ। मिनिस्टर साहब की हंसे दीदिया जी का रिश्ता टूट गया, दीदिया जी की जिंदगी बच न गई। चुप। लाली हम तुझसे एक बात पूछे। पूछना। ये बता वो दिन वह जब शेखर बबुआ जी सबके सामने तुम्हारे खिलाफ बोले थे तब तुमको तनिको तकलीफ नहीं हुई थी का? तकलीफ कैसी? और हमरे खिलाफ थोड़ी ना है, वो तो अपना बहन के पक्ष में है। और सही भी है, तो उनका नजर से जब देखेगी ना तब समझ पाएगी। सोचना उनका बहन जौन आदमी से प्रेम करती है, जिससे ब्याह करना चाहती है, हम वही आदमी को गलत कर रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में फंस ना गए। उनकी क्या गलती इसमें? आराम से आराम से आओ, यहां बैठ बैठो। ये लो बच्चा खा लो। नहीं मां हमको भूख नहीं है। लो मां हम खिलाते, देखें कैसे नहीं खाती। सही बात तो ये है कि हम बहुत ही खराब भाई हैं, बहुत तकलीफ दी अपनी बहन को। अब हम तुमको कभी कोनो तकलीफ नहीं देंगे। तकलीफ देंगे तो खुद को देंगे, तुमको नहीं। कहाँ से कर भैया, हमको रुलाने की कसम खाई होगा। नहीं नहीं, तुमको कभी नहीं रुलाएंगे हम। और हमको छोड़ के भी मत जाइएगा। नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। बाकी लाली शेखर बबुआ जी तुमको छोड़कर चले गए हैं, क्या लगता है तुमको वो वापस आएंगे? कहानी लौट के आएंगे। छोटे ठाकुर खुद ही हमसे कह कर गए कि दीदिया जी के ब्याह के बाद वो हमारे पास आएंगे। और देखना दीदिया जी के लिए बहुत ही अच्छा घर से रिश्ता आएगा।
फिर उनका धूमधाम से ब्याह हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले जैसा एकदम ठीक, सब ठीक हो जाएगा। जो होना था हो गया, अब वो सब दोबारा नहीं करोगी तुम। वचन दो ऐसा नहीं करोगी कभी। हम वचन देते हैं भैया, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम भी तुम्हें वचन देते हैं, आज के बाद हमेशा खुश रखेंगे तुमको। और हमने तुमको जो भी तकलीफ दी है ओकरी पूरी भरपाई करेंगे। तो ये जो तुम कह रहे हो बबुआ, इस बात को हम पक्का समझें। अभी अभी जो आपने कहा शिखरवा, वो बात पक्की है ना? हाँ पक्की बात है। हमारे कारण रत्ना को जो भी तकलीफ हुई है उसको ठीक करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो एकरा मतलब ये हुआ कि तुम प्रायश्चित करने को तैयार हो? अगर ये दिखाना जरूरी है कि हम सही में रत्ना की खुशी चाहते हैं तो ओकरे लिए प्रायश्चित भी करेंगे। ठीक, तो आज बबुआ प्रायश्चित कर ही लो। ए धवलिया, हमारा तमंचा लाना तो। लोहा, काहे बात बात पे गोली बंदूक निकालते रहते हो? क्या मिल जाता है तुम्हें हर बात में नाटक फैलाने से? बबुआ, हम आज आपको बताते हैं कि प्रायश्चित कैसे किया जाता है। एक बात है, अब तो बुचिया ठीक हो गई ना, ये सब की क्या जरूरत है? बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। बाकी हमारी बुचिया पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और ऊपर से जो खानदान की बेइज्जती हुई है, मलिस्टर साहब ये ब्याह तोड़ के गए और उसकी जिम्मेदारी शेखर नहीं लेगा तो और कौन लेगा? जिम्मेदारी उठाना बहादुरों का काम है, उठाने दीजिए से जिम्मेदारी। इनकी वजह से जो तकलीफ हुई है परिवार को और हमारी बुचिया को, वो का प्रायश्चित? लो बबुआ, अपनी खोपड़ियां सटाइए।
बात सोच में पड़ गए शेखरवा, प्राचित करेगा। इले करके दिखा प्राचित, हमने वचन दिया है कि हम बुचिया का ब्याह मुकुल के साथ करेंगे तो करके दिखाएंगे। बाकी उससे पहले आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप अपनी बहनिया खुशी चाहते हो। बाबूजी हमको पूरा विश्वास है शेखर भैया जो करेंगे वो अपने भरे के लिए ही होगा। ए बुचिया, बाप और भाई में बुचिया नहीं बोलेगी तो नहीं बोलेगी। साबित करना चाहते हो ना तो करके दिखाओ, अपनी बहनिया खातिर कुछ भी कर सकते हो। काहे से कि तुमरे और लाली की वजह से उसकी खुशियों में खतरा है। शेर का बच्चा है ना, किधर की औलाद है? बबुआ तुम्हारी रगों में ठाकुरों खून दौड़ रहा है ना, साबित करके दिखाओ। चंदो बबुआ, ये रत्ना खुशी के लिए तुम कुछ भी करोगे। हाँ, अगर रत्ना की खुशी हमारे हलाली की वजह से बर्बाद होगी तो हम अपनी जान ले लेंगे, अपनी जान ले लेंगे। ये हुई पक्की बात। हम तो तसल्ली करना चाहते थे बबुआ की मैया, ये बताने से पहले कि रिश्ता टूटा नहीं है। बुचिया का ब्याह फिर से फिक्स हो गया है। ये तमंचा ले जा। ऐसे आंखें फाड़ के कहां देख रही हैं?
अरे सच कह रहा हूँ ए रणविजय जी, देख उस खबरी सबको। तो भाई बात यह है कि अपना रत्ना का ब्याह मुकुल के साथ ही होगा। काहे कि मिनिस्टर साहब मान गए। हम तो अपनी बात रखा हूं कि रत्ना का ब्याह मुकुल से करेंगे तो करेंगे, और हम ही उम्मीद करते हैं कि तुम भी अपनी बात रखोगे। ब्याह रोकने की कोशिश की तो हमरे छोटे ठाकुर की जिंदगी को खतरा है।